नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं अपने मंदिर मंदिर और थोड़ा क्षेत्रीय भ्रमण करने जा रहे हैं। और ये हमारे भाई साहब हैं, देखो कुछ बोलना चाहेंगे सर? वो ठीक भाई भाई ये है अपने भैंस और नीचे खेत, ये पिताजी बैठे हैं और ये बगल वाले बूबू जी, और ये देखो ये सब मजे ले रहे हैं। ये हमारे यहाँ की चक्की है, यहाँ पर ये चक्की है और ये हमारा छोटा ट्रैक्टर, ये देखो हम खेत बड़े वाले भतीजे हैं, इनके कल पैर में चोट आ गई है, ऐसे ही चलते चलते अच्छा अचानक एक्सीडेंट हो गया है इनका। अच्छा, तो इनका उपचार उपचार यहाँ गांव में ही जड़ी बूटियों से हो रहा है इनका। अच्छा, आयुर्वेदिक 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 किया जाएगा। हाँ, ये देखो ये अब सही है, रोपेर है कुछ रहता है ठीक है, रास्ता इससे आगे थोड़ा इससे थोड़ा इससे आगे है मंदिर। अभी हम थोड़ा रास्ता जो है अभी काम चल रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर जाने में थोड़ी दिक्कत होती है। कार्य प्रगति पर है, प्रगति पर है। हाँ, यहाँ का ना ये थे कि कौन मल्ली जो इनमें यू एडजस्ट करना ये इन मल्ली हुई पराल वराल, ये लूट कहा जाता है इनको। हाँ, इनको लूट मतलब रखने के लिए। हाँ हाँ, ये घास वास जो है आगे के समय के ना, जैसे सर्दियों गर्मियाँ आएंगे। हाँ हाँ हाँ, जी होली तक ये खत्म हो जाएंगे। हाँ, गाय वाय के चारा के लिए हो गया। हाँ, रख रखाव ये ठीक ठीक किया जाता है, इसको भाषा में लूट कहा जाता है। अच्छा, स्थानीय लैंग्वेज में। हाँ हाँ, स्थानीय लैंग्वेज। ठीक ठीक ठीक, बताया था कि कौन इसको ऐसे चूरा कहा जाता है। हाँ, चूर कहते हैं, तो इसमें जैसे इसका फल जो होता है, फल के अंदर की जो गुठली होती है उसको उसको बिल्कुल दल करके उसमें ऑयल निकलता है इसमें। अच्छा, और तेल जैसे वो घी की तरह ठंडियों में जम जाता है। हाँ, और गर्मियों में वो पिघल जाता है। अच्छा, इसकी भी इसको चूर कहते हैं, लेकिन आजकल तो ये जानवरों के लिए जंगलों की घास वास कम होने के कारण इसको जानवरों को खिलाया जाता है। देखो ये हमारे जो हमने ये लगा रखा है, ये गेहूं लगा रखा है, और उधर पर वहाँ पर हमारा घर है, और ये आप देख रहे हो गाँव में जो वाइल्ड पिग है, मतलब ये जंगली सुअर, तो उसने ये तहस नहस कर रखा है। ये देखो मतलब यहाँ की जो खेती पाड़ी है, मतलब जो जंगली जानवर होता है नष्ट कर देता है। तो यहाँ की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, वो है शांति। यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक नदी की आवाज़ आ रही है, बाकी तो पूरा शांत है एकदम। देखो हर और जो है पॉल्यूशन फ्री है, देखो कहीं भी आपको एक एक रास्ते पर जो डस्ट नहीं दिखाई देगी, मिट्टी। सामने हम मंदिर में पहुँचने वाले हैं, ये हमारे पुराने घर हैं और अभी हम उस तरफ रहते हैं, ये नदी बह रही है, सामने लोग खेती करते हैं, और लेकिन यहाँ का रास्ता बहुत खराब है। ये रास्ता एक रास्ता ऊपर से गया दोस्तों, एक नीचे से हुआ। हम नीचे से जाएंगे, लेकिन देखो ये माता पहाड़ों की एक विशेषता ये है कि हम जो है जहाँ भी जाएंगे पैदल जाएंगे। देखो रास्ते ऐसे दुर्गम हैं कि हम यहाँ बाइक से नहीं जा सकते हैं, लेकिन मज़ा भी आता है इसमें कि हम पैदल चल रहे हैं। पैदल में जो आनंद है वैसे नहीं है, क्योंकि बाइक मोरे 2 मिनट में पहुँच जाते। रास्ते ऐसे हैं, गांव का मंदिर एक इस तरफ है एक उस तरफ है। देखो ये देखो ये है मंदिर, ये देखो ऊपर से। मैं आपको इसकी लोकेशन दिखाता हूँ जरा, ऊपर से जो है लोकेशन यहाँ की बहुत अच्छी आती है, और मंदिर का पूरा व्यू भी सही आएगा। दिखाएं जरा, ये देखो वे उस तरफ गांव है, इस तरफ गांव है, और ये देखो ये वट वृक्ष है। तो बताइए सर इसके बारे में कुछ, मंदिर की विशेषता कुछ बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? माता चंडिका देवी का मंदिर है। ठीक छे,
बहुत हमारे इतिहासों में इसका जिक्र है। बड़ा तो अब हम मंदिर से अब हम जाएंगे मंदिर से नीचे फिशिंग फिशरीज का काम किया था ना उधर, वो फिशिंग पॉन्ड है सामने, वहाँ जाएंगे थोड़ा मछली ले लेते हैं साहब के लिए। दा हिटना की दा हिटना हिटना चले फिर मच्छी पकड़ने जाना हिट पे। तो आज शाम का डिनर होगा मच्छी। ये है अपना ये मत्स्य पालन वाला फिशरीज वाला हमने पॉन्ड बनाया था, ये देखो बहुत बड़ा है। अब हम इसमें आज मछली ले जाएंगे रात के, ये देखो बहुत बड़ा है मछलियाँ इसमें ना, महासीर बहुत बड़ी बड़ी है। तो आज ले जाते हैं अभी पकड़ते हैं, वो है जाल और इसमें मछलियाँ मोटी मोटी आज ले जाएंगे। यहाँ से पानी का जो स्रोत है यहाँ से आता है इसमें से नीचे।